दो साल बाद शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही इस बार ड्रोन के जरिए कांवड़ यात्रा पर नजर रखी जाएगी और 300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। DGP ने कहा कि कांवड़ियों को किसी भी तरह के हथियार लाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार तय ध्वनि स्तर के अंतर्गत ही म्यूजिक लाउड होगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बैरागी क्षेत्र में आने से बैरागी कैंप क्षेत्र में जगह की कमी नहीं है, पार्किंग की सिर्फ वहाँ व्यवस्थाओं की कमी होती थी, इस बार हम वो भी पूरी करवा रहे हैं। तो एज सच नंबर कितना भी आएगा तो हमें ऐसा नहीं है कि किसी को हम बॉर्डर से लौटाएंगे। सभी का स्वागत है, आए जरूर आए, परंतु श्रद्धा से आए, शांतिपूर्वक आए और किसी भी तरह का मतलब अच्छा नाम लेकर जाएंगे, मतलब किसी तरह का कोई नेगेटिव चीज न करें।